हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। आज हम बात करें निफ्टी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अब निफ्टी पे देखो काफी अच्छा ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके मार्केट ऊपर अच्छा सस्टेन भी करा है, 19,000 का लेवल भी ब्रेक कर दिया। तो वो चीज अब देखेंगे यहाँ पे रिटेस्ट कहाँ पे कर सकता है मार्केट वापस से, जो वापस से मार्केट आएगा अगर बाई चांस से रैली मिस हो गई है वाली या मोमेंटम मिस हुआ तो वापस कहाँ पे एंट्री कर सकता है वो। तो अब हम देखते हैं इसमें, देखो डेली टाइम फ्रेम पे निकालते हैं, वीकली तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, डेली पे देखेंगे अब यहाँ पे हम। तो डेली पे इसको जब भी आएगा वापस ये इस जगह के आसपास, इसका जो ऑल टाइम हाई था प्रीवियस वाला 1886 के आसपास, जब भी अगर वापस ये यहाँ पे आता है ठीक है, तो यहाँ पे वापस हम एंट्री के लिए एक बार प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे हम लेवल्स हटाते हैं, यहाँ पे पुराने एक बार देखते हैं, इस जगह प्रीवियस लेवल्स हटाते हैं सारे। देखो अब क्या होगा ना, यहाँ पे इस जगह पर अगर कभी भी जब भी आता है तो एक बार रिटेस्ट करने जरूर आएगा मार्केट यहाँ पे। अभी कब आता है एक दिन में जब भी होता है वो चीज़ कंडीशन पता पड़ेगी, कब भी आने के ऊपर है। अगर इसको ब्रेक करके वापस नीचे चल जाता है तो मतलब लगेगा कि यहाँ पे मोमेंटम सस्टेन नहीं करा, पर ये यहाँ पे अगर आके एक बार ब्रेक लेता है और उसके बाद ऊपर रैली निकालता है, मोमेंटम देख निकालता है, तो फिर मोमेंटम काफ़ी बड़ा आने की कंडीशन रहेगी इसमें। देखो हो सकता है अभी सीधा निकल भी जाए यहाँ पे, वो भी कंडीशन हो सकती है, पर जहाँ तक मुझे प्रोबेबिलिटी लग रही है कि एक बार मार्केट आके इस जगह तक रिटेस्ट करने आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कहीं ना कहीं ऊपर आने की चांस रहेंगी थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस जगह का वेट करना यहाँ पे, और अभी ऊपर लेवल्स के हिसाब से प्लान करना, अगर इसे बाइंग कर रहे हैं यहाँ पे तो भी लेवल्स देख के करना। बाई चांस हमने एंट्री यहाँ पे कर ली पोजिशनल यहाँ पे और वो रिटेस्ट करने यहाँ पर आ गया तो वो चीज़ फिर दिक्कत कर देगी इसी कंडीशन में, ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो मार्केट अभी कहाँ से कहाँ गया है, चार सेशन में अप्रोक्स 18,650 से लेकर 19,200 तक यहाँ पे मार्केट अप्रोक्स चला गया, ठीक है। तो उस हिसाब से चीज़ें प्लान करना। हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे क्या लेता है यहाँ पे लेवल्स। अब ऑल टाइम हाई तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, मतलब उसके ऊपर कोई रिजेक्शन लेवल तो है नहीं, तो मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो करंट सिचुएशन क्या लगती है उस हिसाब से मार्केट कैसा दिखता है लाइव में कर पता पड़ेगा रियल मार्केट में। तो अभी ऊपर हाई तो ये है 19,200 के आसपास का मार्केट है, वहाँ पे उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम और ऊपर जितना जा सकता है मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे डाउन साइड में लेवल क्या बनेंगे हमारे वो देखते हैं हम यहाँ पे, ये हम प्लान करते हैं यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है। ये होगा लेवल यहाँ पे, सबसे पहले लेवल है अगर इसके बीच में कहीं भी होता है ये वाला, तो एक लेवल यहाँ पे बनेगा इस जगह ये वाला, ठीक है। इस जगह पर देखना है यहाँ पे क्या होता है, 19157 का लेवल है इस जगह के आसपास, तो यहाँ पे देखना अगर ये ब्रेक करके आता नीचे तो 19109 के आसपास तक आने की पूरी चांस रहेंगे मार्केट में यहाँ पे। अगर वो ब्रेक करता है तो 19024 का लेवल है जो मार्केट आराम से इस जगह तक आ सकता है। उसके बाद आएगा फिर लेवल यहाँ पे हमारा ये लेवल इस जगह पर, वो का लेवल आएगा 18953 के। तो ये हमारे लेवल हो जाएंगे यहाँ पे जब भी अगर डाउन साइड में मोमेंटम आता है तो, ठीक है। और पोजिशनल हमने देख लिया कि कहाँ पे हमारा बन रहा है यहाँ पे मेन, मतलब रिटेस्ट करने आने के लिए वो लेवल, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे, और हाई तो देखो जितना जा सकता है मार्केट जा सकता है, कंडीशन के हिसाब से देखेंगे हम यहाँ पे उसके ऊपर रहेगा। FII का डेटा अच्छा चल रहा है अभी, कंडीशन अच्छी चल रही है उसको अच्छा मानेंगे यहाँ पे, डेटा काफ़ी सही है इसलिए बाइंग भी अच्छी चल रही है मार्केट में। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी में सबसे हम वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। वीकली पे इस पर काफ़ी अच्छी कंडीशन है, इसमें ऑलरेडी हाई लगा चुका था पहले ये, फिर रिटेस्ट करा थोड़ा बहुत मार्केट में वापस से सेलिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग आई थोड़ी बहुत, फिर मार्केट ने वापस से अच्छा मोमेंटम दिया है, ठीक है। और वीकली पे काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई है, चार सप्ताह से जो मार्केट एक रेड कैंडल बना रहा था थोड़ा सा, मतलब एक रेंज में फंसा हुआ था, तो उस रेंज को सबको ब्रेक करके मार्केट निकला है यहाँ पे, ठीक है। और SGC ट्विन वगैरह में भी काफ़ी वो न्यूज वगैरह मर्जर वगैरह की वो सब चीज़ न्यूज चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है वो भी पॉजिटिव साइड में, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम पे, देखो अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी बार रिटेस करने नहीं आए, निफ्टी जरूर आने के चांस रहेंगे, क्योंकि निफ्टी अभी फर्स्ट टाइम उसने ऑल टाइम हाई ब्रेक करा है, इसने ऑलरेडी हाई को ब्रेक करा था उसके आसपास आया था ये, तो अब वापस तो उसके अब निकला है ये, तो इसमें लेवल फिर भी एक बार हम देखेंगे यहाँ पे तो 44,150 है पोजिशनल के हिसाब से, तो किस जगह पर बाई चांस आता है तो यहाँ पे बाइंग का चांस रहेगा, और शॉर्ट टर्म में ये 44,485 तक के आसपास के लेवल्स रहेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इंट्रा डे के लिए, इंट्रा डे में क्या आता है, तो पुराने लेवल्स जो होंगे वो हम हटाते हैं यहाँ से। अब इसमें इसमें भी देखो देखो ऑल टाइम हाई है तो ऊपर की तरफ, तो हम ये है कि मार्केट में जो कंडीशन दिखेगी उस हिसाब से लेवल्स वहाँ पर रिटेस्ट देखेंगे कंडीशन के हिसाब से। और बाकी यहाँ पे इसमें क्या आ सकता है, सबसे मेन सपोर्ट जो लेवल है ये वाला 44,500 का, इस रेंज के बीच में एक बार देखो मार्केट रहता है यहाँ पे, थोड़ा बहुत मार्केट इस जगह कर सकता है, थोड़ा बीच में एक बार हमें देखना चाहिए यहाँ पे इस जगह के, यहाँ पे भी एक बनता है ये इस लेवल पे, यहाँ पे रिटेस्ट कर सकता है इस रेंज में, ये रहता है 44,600 ये वाला, एक मिनट 44,668 के आसपास का लेवल है, ठीक है। इस जगह को ध्यान रखना, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अगर यहाँ के सपोर्ट ले रहा था तो ठीक है बाई चांस जगह पे आता है तो, और इसको ब्रेक करता है तो फिर चांसेस थोड़ा बहुत यहाँ पे आने के 44,500 तक आने के चांस रहेंगे,
उसके बाद मार्केट में फिर नेक्स्ट लेवल आएगा यहाँ पे हमारा 44 या 344 तक के लेवल का, फिर ये मार्केट इस जगह तक आ सकता है। तो ये कल परसों के लिए हम ये लेवल्स बनाते हैं यहाँ पे। अब साइड में कोई लेवल नहीं है रिजेक्शन का, बस ये वाला है 44,787 का, इसको ब्रेक करके मोमेंटम देता है, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है फिर और, ठीक है उस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी डाउन साइड में कोई ज़्यादा लेवल्स अभी नेगेटिव ऐसी कंडीशन है नहीं, तो लेवल्स ये वाले हैं यहाँ पे इस जगह तक के, ठीक है इस कंडीशन के लिए लेवल सफिशेंट है कल परसों के लिए। अब हम देखते हैं फिन निफ्टी के लिए, सीएनएक्स फाइनेंस। अभी इससे अच्छा स्टॉक्स में भी साथ साथ देखते रहना, क्योंकि स्टॉक्स में कई स्टॉक्स में अभी मोमेंटम आया नहीं है, जैसे आईटी में मिड कैप हो गया, अभी मिड कैप में कुछ शेयर्स बाकी हैं, तो उन पे ये फोकस रखना है वहाँ पे साथ के साथ में, ठीक है। तो वहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल सकता है उसमें। और अभी इसमें देखेंगे यहाँ पे 20,075 के आसपास का लेवल है हमारा, यहाँ पे जो हाईएस्ट जेके को लेवल को देखना है यहाँ पे क्या करता है मोमेंटम यहाँ पे, और डाउन साइड में 19,960 का लेवल, ये एक रेंज जाएगी यहाँ पे, इस रेंज में कैसे रीड करता मार्केट वो देखना है हमें। उसके बाद नीचे सपोर्ट आएगा यहाँ पे इसके बाद 19,870 का, और उसके बाद है 19,809 का। तो ये लेवल हमारे हो जाएंगे अभी नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए, जब भी अगर आता है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं, तो कल वीडियो बनाएंगे वापस से, उसमें प्लान करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।